पंजाब सरकार के मुख्य संसदीय सचिव और हल्का विधायक फगवाड़ा सोम प्रकाश ने अर्बन स्टेट फगवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अकाली व भाजपा का गठबंधन अटूट है। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में होने वाले नगर निगम व नगर कौंसिल चुनावों में अकाली भाजपा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि फगवाड़ा में 50 वार्ड हैं, जिनमें से 17 वार्डों पर अकाली व अन्य वार्डों पर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस दौरान चेयरमैन मार्कफेड पंजाब जरनैल सिंह वाहद और मार्केट कमेटी फगवाड़ा के चेयरमैन सरवन सिंह कुलार ने लोगों से अकाली भाजपा गठबंधन को सांझे तौर पर वोट डालने की अपील की है। अज जो आने वाली कारपोरेशन इलेक्शन इस संबंधी प्रेस वालों ने वार्तालाप किया। मैं उन्होंने दसाया कि 50 वार्ड इतने अभी बनाए गए हैं, जिन्ह की वार्डबंदी बारे ऑब्जेक्शन सरकार बन चुकी है और उन्होंने लोगों ने एतराज भी देते हैं और सरकार उन्होंने फाइनल कर रही है। वो तो बाद इलेक्शन का काम शुरू होगा। आस है कि इलेक्शन दिसंबर के आखिर में जा जनवरी के शुरू की हो जाएगी और जोड़ा लोगों के हाथ में जी शहर का प्रबंध है वो चुने हुए नुमाइंद हाथ दे दिता जाएगा। उन्होंने बड़े वर्करों को बेनती है सचेत होइए, असं एकजुट हो के यही नहीं कारपोरेशन की जो आने वाली चोणों में भी इकट्ठे ही चलना है। सेंटर के साझी सरकार चल रही है। अज मोदी साहब ने हिंदुस्तान का नाँ दुनिया के रचना दिता, उस तरह पंजाब को भी एक नंबर का सूबा सूबा बना। वास्ते थोड़ा बेनती है कि आप जी कारपोरेशन की चोन ये 17 वार्ड है, श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा, 2 वार्ड जी सी टी वास्ते आते, बाकी 31 वार्ड है बीजेपी लड़ेगी।